नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे रंग बिरंगे टमाटर के बीजों की, जिनको रेनबो टोमेटो भी बोल देते हैं। वैसे तो तीन या चार रंग के जो टमाटर है वो आपको आम तौर पर मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, यानी कि उनके जो सीड है वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं एक पौधे के अंदर रंग बिरंगे टमाटरों की बात करूँ तो आपको कैसा लगेगा? किसान साथियों, आपने कई जो फेसबुक पेज है उनके ऊपर अक्सर देखा होगा कि एक फ़ोटो लगी होती है जिसके अंदर छः सात प्रकार के जो टमाटर है एक ही पौधे में अलग अलग रंग के, वो आपको दिखाए जाते हैं। या फिर कई आप गूगल के ऊपर भी आपने देखा होगा। फिलहाल ये जो सिस्टम है वो काफ़ी ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, बहुत से फार्मर इसको सर्च कर रहे हैं। वहाँ पर आपको जो बीज है वो उसका जो पैकेट है वो फ़ोटो दी होती है और आप उसे ऑनलाइन जो बीज है वो बुक कर सकते हो, वो आपके घर पर आ जाता है किसान साथियों। लेकिन अगर मैं एक्चुअल के अंदर इस सिस्टम की बात करूँ तो फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यानी कि अभी तक कोई ऐसी वैज्ञानिक खोज नहीं हुई है जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि आपको एक पौधे के अंदर छः या सात कलर के टमाटर है या फिर अन्य कोई सब्जी है, जैसे कि अगर मैं रंग बिरंगे पंपकिन की बात करूं या फिर मल्टी कलर की जो स्ट्रॉबेरी है उसकी बात करूं, तो वो फ़िलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। ये एक लूटने का बड़ा ही ऑनलाइन तरीका अपनाया हुआ है। क्या करते हैं कि फ़ोटोशॉप द्वारा ऐसी आपको एक फ़ोटो बना देते हैं जिससे फार्मर को लगता है कि क्यों ना मैं ये रंग बिरंगे जो टमाटरों का पौधा है इसके अंदर रंग बिरंगे टमाटर लगते हैं या फिर रंग बिरंगे जो कद्दू है वो लगते हैं, क्यों ना मैं इसे ट्राई करूं। तो करीबन क्या है कि एक आधा जो पैकेट है वो फार्मर खरीद ही लेता है, क्यों ना इस बार थोड़ा सा अलग ट्राई किया जाए। लेकिन किसान साथियों, फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फार्मर को एक गुमराह किया जा रहा है। आपको नजायज 200-300 जितना भी रुपए का जो पैकेट है वो दिया गया है वहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने के लिए है। ये जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हो, मैं वीडियो के अंदर जो फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटोशॉप द्वारा बनाई गई है, ना कि ये किसी फार्मर के यहाँ फ़ोटो क्लिक करके या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी द्वारा ये रिकमेंड है कि आप ये जो सीड है वो लगा सकते हो। कृपया करके किसान साथियों, ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें।